दोस्तों, अनजान चीज को जानने की कोशिश इंसानों को सदियों से, इसी कोशिश में इंसानों ने बड़े बड़े रहस्य और प्राचीन मानव सभ्यताओं को ढूंढ निकाला है। ऐसी एक सभ्यता के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू। ग्रेट मिस्ट्रीज की इस एपिसोड में आप सभी को स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान में हम जो जिंदगी जी रहे हैं, इससे भी बेहतर जिंदगी तो कुछ हजारों साल पहले मोहेंजोदारो की निवासी जिया करते थे। मोहेंजोदारो यानी कि मुर्दों की टीला, दक्षिण एशिया में सबसे पुराना सभ्यता यही था। पाकिस्तान की सिंध घाटी में आज से लगभग 2600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। इस सभ्यता को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि आज की आर्किटेक्ट गणों को हैरान करती है। खुदाई के दौरान पता चला इस शहर की सारी इमारतें ईंटों से बनाया गया था। इस शहर में करीब 3000 निवासी रहते थे। शहर की सारे रास्ते ईंटों से बना हुआ था। शहर की चारी ओर ईंट की मोटी दीवारें थी सुरक्षा के लिए। पुरातत्विक द्वारा पता चला शहर की हर घर में शौचालय थी और उसमें पानी आने जाने के लिए नालियां भी थी। घर में हवा आने जाने के लिए वेंटिलेशन का व्यवस्था भी था। दुनिया की पहली नाली का निर्माण यही हुआ था। पूरा शहर 200 एकड़ की इलाके में फैला हुआ है। पुरातत्वविद के अनुसार यहाँ के लोग खेतियाँ भी करते थे। उन्हें गेहूँ, चावल, रुई उगाना आता था। यहाँ पर एक विशाल भंडारा भी मिला जहाँ पर पूरा शहर के लोगों के लिए खाना मौजूद किया जाता था। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था। सिंध नदी के किनारे होने के लिए इसको सिंध घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। भारतीयों द्वारा मोहेंजोदारो की खोज सर्वप्रथम सन 1822 में पुरातत्व सर्वेंच की सदस्य राखलदास बनर्जी ने किया था। खुदाई के दौरान उन्हें एक बुद्ध गास्तु दिखाई दिया। उसके बाद आशंका जताई गई कि यहाँ मिट्टी के नीचे प्राचीन इतिहास दबा हुआ हो सकता है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए सन 1924 को काशीनाथ नारायण और सन 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम किया था। सन 1965 तक भारत की अलग अलग लोगों की कमांड में खोज किया गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद कर दिया गया। कहा गया खुदाई के दौरान प्रकृति की नुकसान हो रही है। यहाँ पर एक बड़ी जलकुंड भी मिला जो आज की स्विमिंग पूल की तरह ही है। इस जलकुंड की लंबाई 39 फीट और चौड़ाई 23 फीट, इसकी गहराई है 8 फीट। इसमें नए पानी आने के लिए और पुराने पानी निकलने के लिए नालियां भी है। पूरे मोहेंजोदारो में 700 कुआं मिला। खोज की दौरान यहाँ कुछ कंघियां भी मिली जिससे पता चलता है यहाँ के लोग अपने साफ सफाई में भी ध्यान देते थे। खोज की दौरान पता चला था कि यहाँ के लोग गणित में भी ज्ञान रखते थे। उन्हें जोड़ना, घटाना, मापना सब आता था। पुरातत्व के अनुसार मोहेंजोदारो के लोग संगीत के भी चर्चा किया करते थे। उन्हें कुछ ध्वनि यंत्र भी मिली। यहाँ पर कुछ खिलौने भी मिले थे जिससे पता चलता है यहाँ के लोग खेलने के भी शौकीन थे। खोजकर्ताओं को कुछ धातु से बनी गहने भी मिले थे। इसके अलावा चित्रकारी, सिक्के, दिए, बर्तन, औजार भी मिले थे जिन्हें देश विदेश की संग्रहशाला में रखा गया है। कुछ गेहूं के दाने से यहाँ के लोगों की खेती के बारे में पता चलता है। इस सभ्यता की विनाश के बारे में कुछ ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की मानना है सिंध नदी की गति परिवर्तन के वजह से यहाँ पे पानी की कमी पड़ गई थी जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। ऐतिहासिकों ने यहाँ पर कुछ कंकालों को खोज निकाला। कुछ कंकालों तो रास्तों में हाथ पकड़ते हुए भी पाए गए। जैसे वो सभी लोग रास्ते में निकले थे और अचानक उन पर हमला हो गया। कंकालों के पास से
अधिक मात्रा में रेडिएशन की सबूत भी मिला है, जो जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले के दौरान मिली थी। वहां पर कुछ गलती हुई ईंटें भी मिली। ऐसा तब होता है जब तापमात्रा 3000 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन सभी सबूतों से कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यहाँ पर कुछ बड़ी सी विस्फोट हुई थी, जिससे ये जगह मिट्टी के नीचे दब गई और इस सभ्यता का अंत हो गया। अभी पुरातत्वविद यहाँ पर खोज में लगे हुए हैं और वो पता कर रहे हैं कि इस सभ्यता का निर्माण और विनाश कैसे हुआ। उनका खोज आज भी जारी है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है? और अगर इस वीडियो से जुड़ी कुछ तत्व आपके पास है तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली एपिसोड में कुछ रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।